हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी करंट समर स्किन केयर रूटीन। आई जस्ट फिल्म्ड अनदर वीडियो एंड आई वाज अबाउट टू टेक ऑफ माय मेकअप, बट देन आई थॉट लेट्स रिकॉर्ड इट एंड लेट्स शेयर माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन विद यू ऑल। आप लोगों के लिए शायद ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो, लेकिन मेरी स्किन केयर रूटीन बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ 3 स्टेप्स पर फोकस करती हूँ। फर्स्ट वन इज़ क्लिनजिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने मेकअप किया हो या डे टाइम में सनस्क्रीन यूज़ की हो या वैसे भी सारा दिन बहुत डस्ट पड़ती रहती है हमारे ऊपर, तो ये सारी चीज़ें रिमूव करना और चेहरे को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लिनजर या फेस वॉश एक ही चीज़ है, लेकिन ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी स्किन थोड़ा आसानी से ब्रीथ कर सके। और जब आप रात में अपने नाइट टाइम स्किन केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई करें तो वो एक क्लीन सरफेस पे, क्लीन कैनवस पर अप्लाई करें। सेकेंड स्टेप है ट्रीटमेंट, और इसमें या तो मैं रेटिनॉल यूज़ करती हूँ या मैं विटामिन सी यूज़ करती हूँ। और थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइज़र। हमारी स्किन से कंटिन्यूसली मॉइस्चर एवेपोरेट करता रहता है, और ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्पेशली इतनी गर्मी में, इतने हाई टेम्परेचर पर। फैसलाबाद में आज यहाँ पर 39 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसलिए अपनी स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर होता है, उसको ट्रैप करके रखता है आपकी स्किन के अंदर और ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग। अगर मैंने मेकअप किया हो तो फिर मैं डबल क्लिनजिंग करती हूँ, यानी पहले मैं ऑयल बेस्ड क्लिनजर के साथ मेकअप रिमूव करती हूँ और उसके बाद मैं वाटर बेस्ड क्लिनजर के साथ फेस वॉश करती हूँ। और ऑयल बेस्ड क्लिनजर्स में जो मेरा फेवरेट है वो है दिस क्लीन इट जीरो क्लिनजिंग बाम। दिस इज़ बाई बनीला को, और दी बेस्ट क्लिनजिंग बाम है ये। हर टाइप का मेकअप रिमूव कर देती है और उसको ऐसे मेल्ट करके डिसॉल्व कर देती है। इसके साथ आप वाटरप्रूफ मेकअप भी इजीली रिमूव कर सकते हैं, लाइक वाटरप्रूफ मस्कारा, बहुत आसानी से फौरन से मेल्ट हो जाता है। आई एम गोना क्लिप माय हेयर बैक फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दी क्लिनजिंग बाम। ओके जी, नाउ आई एम रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई क्लिनजिंग बाम फर्स्ट। और ये देखिए, ये मुझे कितनी पसंद है, कितनी ज़्यादा यूज़ की हुई है मैंने। इसके साथ ये एक छोटा सा स्पून भी आता है, सो आई एम गोइंग टू टेक just this much of the cleansing balm, and this is going to be enough to remove all the makeup. So now I'm going to apply it. अभी मैं जो लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है ना, ये वाटरप्रूफ है, ये नॉर्मल मेकअप रिमूवर से भी नहीं उतरती, ये सिर्फ न्यूट्रोजीना के मेकअप रिमूवर से ही उतरती है। लेकिन ये देखना आप अभी ये कितनी जल्दी और कितने आराम से इसको मेल्ट कर देती है। एंड सेम इज़ गोइंग टू बी ट्रू फॉर मस्कारा। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ज़रा अजीब सी लगूंगी क्योंकि सारा मेकअप मेल्ट हो रहा है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। अच्छे से आपने इस क्लिनजिंग बाम के साथ पूरे फेस पर मसाज करनी है। दिस इज़ गोइंग टू टेक ऑफ एवरी थिंग वेरी स्मूथली। आई एम गोइंग टू मसाज इट फॉर 1 to 2 मिनट्स एंड देन आई एम गोना गो एंड वॉश इट ऑफ। आई एम बैक। ये क्लिनजिंग बाम जब आप अप्लाई करते हैं तो देखने में बहुत ऑयली फील होती है, लेकिन जब आप इसको पानी से वॉश करते हैं तो ये फ़ौरन से इमल्सीफाई हो जाती है और फ़ौरन से उतर जाती है, और ये बिल्कुल भी ग्रीसी और ऑयली फीलिंग आपकी स्किन पर नहीं छोड़ती। आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है बगैर किसी क्लिनजर या फेस वॉश के इस्तेमाल से। और ये मैं तभी यूज़ करती हूँ जब या तो मैंने मेकअप किया हो या फिर मैंने कोई वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन यूज़ की हो, अदरवाइज मैं सिर्फ क्लिनजर के साथ अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ। और डबल क्लिनजिंग में सेकेंड स्टेप होता है वाटर बेस्ड क्लिनजर का इस्तेमाल। तो पहले मैं न्यूट्रोजीना का हाइड्रोबूस्ट क्लिनजर यूज़ करती थी, जो बहुत जेंटल है, नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव और कम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। उसके बाद मैंने ट्राई किया सिंपल का फेस वॉश, जो मैं पाकिस्तान आने से पहले ये छोटी सी ट्रैवल साइज बॉटल में डालकर ले आई थी। ये भी बहुत जेंटल है। इसके अलावा ये ऑक्यूफिक्स कॉस्मेटिक्स वालों ने मुझे ये क्लिनजर सेंड किया था, रीसर्फेसिंग फेस वॉश। ये भी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। ये भी बहुत अच्छा क्लिनजर है और ये पिगमेंटेशन प्रोन और एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए भी अच्छा है। Now I'm gonna wash my face with this simple का face wash, जो मैं यहाँ पर नहीं कर सकती, so I'll be back in a second. Okay जी, cleansing होगी मुकम्मल। My face is still wet क्योंकि मैं towel बिल्कुल use नहीं करती अपने चेहरे के ऊपर। अगर कोई ऐसा product है जिसको लगाने के लिए skin dry करने की ज़रूरत है, like retinol, तो मैं tissue के साथ अपना चेहरा dry कर लेती हूँ, otherwise मैं ऐसे ही wet face पर अपने सारे products apply करती हूँ। Now let's move on to the second step, which was treatment, और इसमें मेरे पास 2 products हैं। फर्स्ट वन इज़ रेटिनॉल एंड सेकेंड वन इज़ विटामिन सी क्रीम। ये मैं अल्टरनेट डेज पर यूज़ करती हूँ, एक दिन रेटिनॉल, अगले दिन विटामिन सी,
फिर रेटिनोल, फिर विटामिन सी, ऐसे। और विटामिन सी क्रीम मैं मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ ये वाली। तो आज मैं यूज़ करूँगी विटामिन सी क्रीम, लेकिन इससे पहले मैं अप्लाई करूँगी हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर बहुत हाई है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है हवा के अंदर, और सारा दिन इतनी गर्म हवा चलती है कि क्या करें। तो स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हाइड्रेटिंग सीरम इज़ अ मस्ट इन समर स्किन केयर रूटीन। तो एक हाइलुरोनिक एसिड सीरम ज़रूर ले लें, और हाइलुरोनिक एसिड सीरम अकेला नहीं लगाना, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र नहीं है, दिस इज़ अ हाइड्रेंट हाइड्रेटिंग सीरम है। ये पानी को अट्रैक्ट करता है, अगर आप इसके ऊपर से मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो ये आपकी स्किन से पानी खींच लेगा और आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। इसलिए हमेशा हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम है ओजी स्किन लैब की तरफ से, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है 2% विद विटामिन B5, वेरी सिमिलर टू द ऑर्डिनरी हाइलुरोनिक एसिड। इसको पहले हम अप्लाई करेंगे, ड्रॉपर आपने अपनी स्किन के साथ टच नहीं होने देना। अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉपर टच कर लेंगे तो बेहतर है कि आप हाथ पे अप्लाई कर लें और उसके बाद हाथ से पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लें, क्योंकि हमारी स्किन पर काफ़ी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अगर आपका ड्रॉपर स्किन को टच करेगा तो बैक्टीरिया आपके ड्रॉपर पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और फिर जब आप उसको वापस बॉटल में रखेंगे तो पूरी बॉटल में बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम काफ़ी जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर बेस्ड फार्मूला होता है। हाइलुरोनिक एसिड सीरम के बाद मैं अप्लाई करूंगी विटामिन सी क्रीम। ये विटामिन सी क्रीम एक US बेस्ड ब्रांड है बेनिश, ये उनका प्रोडक्ट है, ये फ्रेश प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसमें आई थिंक वो प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ करते, तो इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, आपको जल्दी से प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है। विटामिन सी वैसे भी बहुत अनस्टेबल है तो जल्दी ख़राब हो जाता है, इस वजह से जल्दी इस प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर लें तो बेस्ट है। आई एम नॉट श्योर ये पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, लेकिन आई थिंक वो इंटरनेशनल डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। ये विटामिन सी क्रीम बहुत अमेजिंग है, पिछले एक मंथ से मेरा ख्याल है मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा मैंने यूज़ कर ली है। जैसी क्रीम चीज़ होती है ना वैसा टेक्स्चर है इस क्रीम का, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा टेक्स्चर आपको इसमें नज़र आएगा, इस तरह की है कुछ कंसिस्टेंसी इसकी। इसको भी मैं ऐसे सेक्शंस में चेहरे पर अप्लाई कर लूँगी, मुझे ऐसे अप्लाई करना आसान लगता है, काफ़ी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है, बस 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से मसाज करें और ये आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी। ये मेरी गो टू क्रीम है आजकल, इसको मैं मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ, इवनिंग में भी यूज़ करती हूँ। इसको लगाने के बाद ऐसे ग्लो आ जाता है चेहरे पर। एंड द लास्ट स्टेप इज़ लिप केयर। लिप केयर में मैं जस्ट वैसलीन यूज़ करती हूँ, वैसलीन इज़ द बेस्ट ऑक्लूसिव टू प्रोटेक्ट योर लिप्स फ्रॉम क्रैकिंग। इससे पहले मैं लानेज का लिप स्लिपिंग मास्क यूज़ करती थी, दी बेस्ट मास्क है वो मेरे पास अभी ख़त्म हो गया है। जब मैं हांगकांग दोबारा वापस जाऊँगी या जब भी मौका मिला वो मैं दोबारा परचेज़ करूँगी, टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, बहुत अच्छा मास्क है। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आजकल जो मैं फॉलो कर रही हूँ समर को देखते हुए। आई होप इट वॉज इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू गाइज। कोई सवाल हो, सजेशन हो, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye.